नाम ब्रेंडन कराव है और मैं एक MBBS डॉक्टर हूँ। तो बेसिकली कल मैंने एक ऐप से 3 आइसक्रीम मंगवाए थे, कोन आइसक्रीम, और इसमें से एक बटर स्कॉच आइसक्रीम था यमो ब्रांड। आइसक्रीम के बीच में पहुंचने के बाद मुझे एक बड़ा सा पीस मेरे मुंह में आ गया। तो मुझे लगा कि कभी कभी आइसक्रीम में एक बड़ा सा कोई नट रहता है या ऐसे चॉकलेट का पीस रहता है। तो मैंने लकीली मैंने उसको निकल नहीं लिया, तो मैंने निकाला तो मुझे लगा कि पहले कुछ तो भी कार्टिलेज जैसा लग रहा था। तो मैंने देखा कि मे बी किसी चिकन का कुछ तो कार्टिलेज का पीस नहीं है। बट जब मैं एक्चुअली डॉक्टर हूं तो मुझे पता है कि ह्यूमन बॉडी का पीसेस कैसे दिखता है। और जब मैंने अच्छे से देखा उसको, मुझे एक नाखून दिखा उस पर और नीचे का ऐसे फिंगरप्रिंट के निशान भी दिख रहे थे मुझे, और वो ऐसे थंब का एक पीस लग रहा था। तो मैं ऑलमोस्ट कांप गया था, मुझे ऐसे ट्रॉमेटाइज हो गया कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो मैंने जल्दी से उसको आइस में रखा है और उसको प्रिजर्व किया। तो मुझे वो ऐसे पुलिस को दिखा सकता हूँ कि ये कुछ और भी हो सकता है, कि नेग्लिजेंस हो सकता है, कि किसी का मर्डर का हो सकता है, कि पता नहीं आजकल क्या में उंगली मिलने का मामला सामने आया है। क्या है सर? कंप्लेन ने कल एक जेप्टो से एक आइसक्रीम मंगाया था, वो खाते वक्त उसके उसमें एक फ्लेश का पार्ट मिला है, और वो उसके बाद वो कंप्लेन पुलिस स्टेशन आए और पुलिस स्टेशन में आके उन्होंने कंप्लेन दिया, उनका कंप्लेन हमने दर्ज किया है। और जो पार्ट उनको आइसक्रीम में मिला वो हमने हमारे पंचनामा के अंतर्गत काबे में लिया। किसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और किस सेक्शन के तहत मामला दर्ज किया? ये IPC 272, IPC 273 और 336 के तहत ये जो आइसक्रीम जो कंपनी का था वो कंपनी के खिलाफ दाखिल किया है। क्या कंपनी की तरफ से कोई जानकारी से मिल रही किसकी उंगली कटी? अभी तो ये इनिशियल स्टेज पे इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन चालू है, वो क्या पार्ट है, एक्सीडेंटल है, क्या है, वो सब उसकी सब हम लोग तहकीक करते हैं। महिला ने कोई शिकायत की है? शिकायत में कुछ ऐसा कहा है कि किस तरह से उसको इस तरह से इंजरी दी गई है? कोई और अभी बातें सामने आ रही थी? नहीं, जो कंप्लेंट दिया है उन्होंने, हमने कंप्लेंट दर्ज की है, और वो जो पार्ट भी उनको मिला वो भी हमने ताबे में लिया है।